सुखदेव स्वामी भगवान की सुंदरता की आवाज सुने ना, जो समाधि लगा करके ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे उनकी समाधि खंडित हो गई। वृक्ष के ऊपर से ही सुखदेव स्वामी बोल पड़े, अरे विद्यार्थियों, संसार सागर में क्या कोई इतना सुंदर है जिसके श्री चरणों से सुंदरता का जन्म हुआ दुनिया की। इस संसार में कुछ लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, बढ़िया वस्त्र भी सुंदर पहनते हैं, देखने में सुंदर होंगे, वस्त्र भी सुंदर धारण करेंगे, यही नहीं बहुत सुंदर वाणी बोलते भी हैं। इतना सब कुछ सुंदर होने के बाद भी उनका स्वभाव सुंदर नहीं होता, जिनका स्वभाव सुंदर नहीं होता है उनकी सारी सुंदरता व्यर्थ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, देखने में जितने सुंदर हो उससे अधिक स्वभाव सुंदर होना चाहिए, क्योंकि रूप भी सुंदर चलन भी सुंदर हो और देह का आवरण भी सुंदर हो, लेकिन सार्थक है उसकी सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। तुम्हारा कन्हैया देखने में सुंदर है, उसके ओष्ठ सुंदर हैं, उसके कपोल सुंदर हैं, उसकी नासिका सुंदर है, उसके नेत्र सुंदर हैं, उसके बाल सुंदर हैं, उसकी चितवन सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, पीतांबर सुंदर है, स्वभाव कैसा है? स्वभाव अगर सुंदर होगा तो सुंदरता मानी जाएगी। विद्यार्थियों ने कहा, महात्मन अभी नया नया एडमिशन आश्रम में हुआ है, कन्हैया के बारे में ज्यादा और अध्ययन नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जी ने एक मंत्र और पढ़ाया है, कहिए तो भी सुना दो। हाँ, मंत्र सुनाओ, कौन सा है? तो दूसरे श्लोक में विद्यार्थियों को व्यास जी ने भगवान के स्वभाव का वर्णन किए थे, स्वभाव की चर्चा किए थे। अब दूसरा श्लोक विद्यार्थियों ने गाना शुरू किया, अब इस श्लोक में भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है जरा विचार करिए। स्वभाव की चर्चा हुई, तन काल कोट जिघान सया पाय यद प्रसादी ले गति धात्रिजुता तून कम वादयालो शरण व्रजेम कम दयालो शरण ब्रजे। दूसरे स्वभाव में भगवान की, दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। कहा भगवान श्री कृष्ण मात्र 6 दिन के थे, बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई, भगवान को गोद में उठा लिया। सबसे पहले कालकूट युक्त विषैले स्तन को भगवान के मुखारविंद में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, पहले पूतना के स्तन में लगे हुए विष का भगवान ने पान किया। विष पान करने के बाद भगवान पय पान किए। पय पान करने के बाद जब भगवान पूतना का प्राण पीने लगे तो पूतना चिल्लाने लगी, समंच मंचा लित में प्रभासिनी अनिस पीट्य माना खिल जीव मरमणि। मंच मंच छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जी हमारी बड़ी पुरानी आदत है, या तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं और एक बार अगर पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सच बताएं जल्दी भगवान की भक्ति किसी के मन में बसती नहीं, एक बार जब बस जाती ना तो लोग सर्वस्व छोड़ देते लेकिन भगवान को नहीं छोड़ पाते। भगवान ने क्या किया, पूतना के प्राण को पी लिया। अच्छा, भगवान ने पूतना का प्राण पान किया तो भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा किया। क्या कृपा की, धात्र चुताम तथोन्यम। भागवत कार करते जो गति भगवान श्री राम ने अपनी माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को प्रदान किया था, जो गति वामन भगवान ने अपनी मां महारानी अदिति को प्रदान किया था, जो गति भगवान श्री कृष्ण यशोदा रोहिणी देवकी को देने वाले थे, उससे पहले जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने माँ का दर्जा प्रदान कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जितने लोग यहाँ बैठे हो जरा विचार करिए, कोई हमको आपको जहर पिलाने के लिए आवे तो क्या हमारा आपका व्यवहार उसके साथ ऐसे रहेगा? वो स्थान हम देंगे जो माँ को दिया जाता है।
भगवान ने जहर पिलाने वाली पूतना को धात्रचुताम तथोन्यम माग की गति प्रदान कर दी। याद रखना, इतना सुंदर स्वभाव संसार सागर में किसी का आपने नहीं सुना होगा। गोस्वामी जी कहते कि यति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर रा। सारे संसार के राजा होते हुए भगवान का स्वभाव अति कोमल है। इतना कोमल है ना कि जहर पिलाने वाली पूतना को धात्रचुताम तथोन्यम मां का स्थान भगवान ने दे दिया।